अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक मजे में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान तो मैच जो है वो सीरीज हार गया है, ठीक है, और बड़ी भयंकर तरीके से हारा है। मजा नहीं आया यार, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बैटिंग देखने में मजा नहीं आया, बॉलिंग देखने में मजा नहीं आया, कंट्रोल फील्डिंग देखने में मजा नहीं आया। समझ लो बाबर आजम हमारे जो कप्तान, महनाज कप्तान भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रही भाई, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसको खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, किस वजह से खिला रहे हैं, ये भी नहीं पता समझ आ रही। अभी वसीम जूनियर माशाल्लाह भाई, कहते थे कि भाई बहुत अच्छा जो है बॉलर है, बहुत अच्छा जो है वो हिटर है, ये हार्ड हिटर है, लेकिन हार्ड हिटिंग उसकी तो पूरी सीरीज में नजर नहीं आई, एक जगह भी नजर नहीं आई। दूसरी बात ये कि शान मसूद को लेकर रहते ही है कि भाई जबरदस्त इनका स्ट्राइक रेट है, क्या स्ट्राइक रेट है, सिंगल डबल करके आपने अपनी 50 मार ली तो मतलब आपका स्ट्राइक रेट हो गया। अरे भाई जब टीम को जरूरत है आप 210 रन चेस करने जा रहे हो और आप ऐसे खेल रहे हो जैसे कि आपको खेलने ही नहीं आता। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। क्या फायदा भाई, नहीं आता तो किसी और को चांस दो, कोई और इतने सारे बंदे बैठे हुए किसी और को चांस दे दो, लेकिन नहीं। बात तो ये है ना सारी, 50 बनाए, 50 क्यों बनाए भाई, आपने 50 बनाए 47 गेंदों पे, 50 गेंदों पे 50 बनाए तो फायदा है इसे 50 का भाई। इससे अच्छा तो तुम भाई डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मिंग करो या तो फिर टेस्ट मैच खेलो, नहीं है T20 तुम्हारे बस की नहीं है भाई। ये बढ़िया था गुरु। इतना इतना डिसअपॉइंटमेंट किया है ना, इतना इतना किया है कि बस मैं क्या बताऊं। क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल जिसको देखो उसको देखो, 60 रन दे दिए वसीम जूनियर ने, बताओ अब T20 में 60-60 रन दोगे तो कैसा चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। नहीं तो बात सारी ये, बाकी बड़ी बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं ऑफिस चलता है, फिर कल के आप बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया अभी जो ना कुछ सामान लेने के लिए जाना था तो हमने बोला चलो गोल्डन मार्केट, क्योंकि हमारा ऑफिस के पास ही है। तो ये आपने देखा होगा लाल मस्जिद, बेहतरीन माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको कायम और दायम रखे। तो अभी जा रहे हैं जरा सामान वामान लेने के लिए, दिखाते हैं आपको भी चल के। कॉस्मेटिक का सामान बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिलता है, तो आपको भी दिखाते हैं और बाकी मार्केट में क्या है क्या नहीं वो भी दिखाते हैं। चलिए ऐसे ये मार्केट के साथ अपना मस्जिद के साथ जो दुकानें हैं ना, यहाँ पे एहराम वगैरह भी मिल जाता है, टोपियाँ वगैरह, मतलब जो जो भी कोई जाता है ना उम्रे कर रही है तो वो यहाँ से आके सामान परचेस करता है ताकि लोगों को दे सके, बहुत ही मुनासिब कीमत पे यहाँ पे सामान मिलता है। अगर आप लोगों को भी कभी चाहिए हो तो लाजमी इधर आके ट्राई कर सकते हैं। तो भैया ये हम आ गए हैं गोल्डन मार्केट पे, और यहाँ पे जो है वो बच्चों के जो है सामान बहुत ही बढ़िया किस्म का मिलता है। ये देख रहे हो ये सारा सामान जो है वो एक अच्छा और रीजनेबल प्राइस में मिलता है। प्लास्टिक की सामान देख लो, ये कप वगैरह मिल जाएंगे भैया आपको, यहाँ पे भी सारा प्लास्टिक का सामान मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारा प्लास्टिक की आपको टोकरी शोकरी यहाँ पे सब मिल जाएगी, और ये बच्चों के जो ना स्कूल वगैरह के लिए, यहाँ पर भी स्कूल की पूरी जो ना शॉप है बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त। ये स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे आपको, पिकाचू ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पिटिशन का सामान भैया, बैग वगैरह की दुकान भी यहाँ पर बहुत ही आला और बहुत ही प्यारी। ये हेयर बैंड वगैरह ये बैग वगैरह की दुकान है, तो
भैया ये मार्केट आ गई कॉस्मेटिक की, कॉस्मेटिक का यहाँ पे सामान मिलता है सस्ता हो। मैं नहीं बताऊंगा। और इस मार्केट का नाम तो मुझे नहीं मालूम, मेरा ये है मेयर मोहम्मद बलोच मार्केट, मेयर मोहम्मद बलोच मार्केट। ये हम जाएंगे इस गली में चल के लेते हैं सामान। आओ भाई, हम आ गए हैं घर और हमने जो है सामान वामान चुपिंग वुपिंग कर लिया। घर वालों को दिखाते हैं, चलते हैं जरा देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर आपको बताते हैं। व्हाट अ मैच यार, कसम खुदा की कल का मैच तो एक माशाल्लाह जबरदस्त मजा आ गया भाई। साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो हाईलाइट जाके देखो, मजा आ जाएगा। साउथ अफ्रीका ने क्या धोया है भाई, हाय हाय हाय, बहुत जबरदस्त। कहाँ से आते हैं? तो भाई हम घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद हमारी बेगम, अरे बात तो कर लो, बेगम साहबा ने बनाए छोले, छोले छोले और चाय। ये आ गई चाय और ये आ गए छोले। चलो भाई जल्दी से खाते हैं छोले, सही है, फिर उसके बाद कहीं जाना है बन। अच्छा भाई बाय बाय, बाय बाय कर दो, कर दो। नहीं। नहीं? नहीं। नहीं। तो आप लोगों ने यकीनन लाजमी मैच देखा होगा कि भाई कैसा साउथ अफ्रीका ने इंडिया को जो है वो चारों चानो चित कर दिया। समझ रहे हो आप। और अभी तो बहरहाल वर्ल्ड कप की तैयारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि तमाम टीमें जो है वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो है वो जाना रवाना हो गई है, और पाकिस्तान भी ट्राई सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपना न्यूजीलैंड चला गया है, न्यूजीलैंड बांग्लादेश और पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से ये 9 तारीख से स्टार्ट या 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन मसला यही है कि वो सुबह 7 बजे स्टार्ट होना मैच। तो अगर हाईलाइट नहीं तो मैच जो है ना हमेशा जो है लाइव देखने में मजा आता है। हाईलाइट तो पता चल जाता ना भाई कौन सी जीती है कौन सी हारी, क्योंकि मजा जो आता है ना इंटेंसिटी जो आपको पता है कि धड़कने ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, मजा आता है। और बस यही बात है, बाकी आपके सामने थे जो भी थे। और पाकिस्तान टीम में यार मजे की तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस फिर भी दिल है पाकिस्तानी, वही वाली बात है कि साथ तो देना ही है इनका। अब देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। ये है कि दो टीम अपना दो तब्दीलियां होनी चाहिए, शोएब मलिक और हारिस सोहेल, इन दो को आना चाहिए पाकिस्तान टीम में, क्योंकि खुशदिल शाह ने जो है वो कुछ भी नहीं किया। खुशदिल शाह एक मैच में चल जाते हैं, बाकी मैच में जो है वो बैठे हैं। आसिफ अली इतना बड़ा बल्लेबाज, इतना हार्ड हिटर, कुछ नहीं किया, तो सवालिया निशान तो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी, लेकिन बस ये है कि ये जो बड़ों के फैसले आपको तो पता ही है। बहरहाल इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। ठीक हो गया, आखिर में हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते बूम।